माफ कीजिएगा, जबान फिसल गई, थ्री पी सूप को थ्री पू सीट कह गया। आप भारत से तशरीफ लाए? जी बेशक, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपका कया ताकीद। भारत के बजाय तेरा वजूद पाकिस्तान में क्यों नजर आ रहा? माफ कीजिएगा, आपका वजूद पाकिस्तान में क्यों नजर? तेरा भी बहुत शायराना लगा। वाह वाह, तुमने अभी कहा कि उर्दू कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए आयो। जी मैंने कहा कि शिरकत की या नहीं की, इसमें कौन सा घिसा पिटा सवाल हो गया? शिरकत की या नहीं की? जी नहीं। दाग नहीं, आप ये फरमाइए किसका नाम था वो या किसका नाम है वो? आप मेरी बात सुनिए, आप भी यानी आप गया तवज्जो ही नहीं दे रहे हिंदुस्तान से आए एक मेहमान की गुफ्तगू। अस्सलामु अलैकुम, न्यूज़ टॉक के साथ अनवर मकसूद आपकी खिदमत। 3 साल से आप न्यूज़ टॉक देख रहे हैं, एक तवील अरसा है, और आपने अक्सर देखा होगा कि मैं बुलाए हुए मेहमान को नहीं पहचानता, नहीं जानता, किसी न किसी की सिफारिश पे मुझे बुलाना पड़ता है। आपको इत्तला होगी बल्कि ज़रूर मालूम होगा कि पिछले दिनों पाकिस्तान में उर्दू कॉन्फ्रेंस हुई। उर्दू है जिसका नाम। मेरे पास कल रात एक सहाफ़ी का फ़ोन आया कि भारत से एक साहब आए हैं कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए, आप उन्हें ज़रूर बुलाएं, बहुत माकूम इंसान दिखाई दे रहे हैं। तो आज मेरे मेहमान उर्दू कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए भारत से आने वाले एक शहरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप भारत से तशरीफ लाए? जी बेशक, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपका कयाफ़ाए खास, बिल्कुल शदीद नुक्ते खास पर मौजूद है। वाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी बात फरमाई आपने। जी हाँ, आमद हमारी भारत ही से हुई, बजरिया वागा से पहले। इतने तवील जवाब की जरूरत क्या थी? आप खाली जी भी कह सकते थे। एक तहजीब, एक तमीज, एक तमद्दुन, फुकदान है मेज़बानाए टेलीविजन का, फुकदान है इस किस्म की गुफ्तगू। अपनी हुदूद और अपने दायरे में रहिए, गुफ्तगू का सलीका जान, गुफ्तगू किस सलीके से की जाती है। बिला वजह किसी मेहमान को बुलाकर उसकी गुफ्तगू में कीड़े निकालना या उर्फ़े आम में गलतियां पकड़ने की चंदा जरूरत नहीं है। यह मशवरा नहीं, ताकीद है। ताकीद। भारत के बजाय तेरा वजूद पाकिस्तान में क्यों नजर आ रहा? माफ कीजिएगा, आपका वजूद पाकिस्तान में क्यों नजर? तेरा भी बहुत शायराना लगा। वाह, लेकिन अगर आप इसकी गहराई में जाएंगे तो एक सवाल मेरे ज़हन कामिल में आया कि ये किस कुमाच की गुफ्तगू है। भाई तुम भी इस तरह की गुफ्तगू कर रहे हो, मैं तो चुप नहीं कहा। आपसे तुमसे तू होने लगी। देखिए, हम उर्दू कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए हिंदुस्तान से तशरीफ लाए। हम उन 10-12 अशखास में से हैं हिंदुस्तान के जो वीजे को वीजा, जिंदगी को जिंदगी, जरूरत को जरूरत और अहमद फराज को अहमद फराज कहते हैं। आहा आहा, शुस्तगी मुलाहिज़ा फरमाइए आप। अभी तौबा, यानी एक मेहमान को हिंदुस्तान से यहां दावत खास देके उसके इदराक को आप परेशान कर रहे हैं। तौबा तौबा। जी नहीं,
अजीब नहीं है जी, नहीं शायद है। तोहमत। क्या तोहमत? ये तोहमत है, ये आपके जहन की इख्तरा है। गया फिर किस हैसियत से आप उर्दू कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए आए? इसलिए हमें यहां पर दावत खास मरहमत की गई कि हम उर्दू बहुत शुस्तगी से कहते हैं, गुफ्तगु बड़ी सलीके से करते हैं, उर्दू का अंदाज दिलबरी हमसे पूछिए। किसने बुलाया? खुद चले आए। कॉन्फ्रेंस में शिरकत की? ठीक तरह जवाब दें, कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। अब आप उर्दू से ही ना बलद हैं, जो है उर्दू का मुख्तसर तरीन लफ्ज है, यानी इसका मतलब यह है कि घिसे पिटे सवालात से परहेज इज्तनाब। तुमने अभी कहा कि उर्दू कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए आयो। जी मैंने कहा कि शिरकत की या नहीं की, इसमें कौन सा घिसा पिटा सवाल हो गया? शिरकत की या नहीं की? जी नहीं। क्यों? यानी उर्दू की जो कॉन्फ्रेंस थी उसमें शिरकत के लिए हमारे पास सूट नदारत सूट नहीं था हमारे पास, और उर्दू कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए सूट तो बहुत जरूरी, यानी बकौल हमारे एक मोहतरम दोस्त के मीर तकी मीर, मिर्जा हादी रुसवा, मिर्जा असदुल्ला खान गालिब, मोमिन खां मोमिन और सौदा के बारे में तो उन्होंने ये तक फरमा दिया कि ये हजरात बगैर थ्री पूछ सीट के गुसलखाने में भी तशरीफ नहीं लेगा। बगैर किसके? माफ कीजिएगा, जबान फिसल गई। थ्री पी सूट को थ्री पूछ सीट कह गया। किसने कहा आपसे? किसने कहा आपसे? किसने किसने कहा आपसे? भाई उर्दू के सूट जरूरी है पहनना कॉन्फ्रेंस। देखिए उर्दू की कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई। जी हो गई। उर्दू की कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई। अब मुझे एक बात ये फरमाइए कि उर्दू की इस कॉन्फ्रेंस से उर्दू का क्या बिगड़ा? उर्दू है जिसका नाम, किसका नाम उर्दू है? आप फरमाइए ये जबाबंदी कैसी, खामोशी क्यों? गोया के हमने बात बिल्कुल दुरुस्त की। क्या बात की आपने? ये जो अभी कहा आपसे कि उर्दू, ये जो टाइटल था उर्दू है जिसका नाम, उर्दू है जिसका नाम, क्या मकसद? दाग का शेर है, उर्दू है जिसका नाम, हम ही जानते हैं दाग, हिंदुस्तान में धूम हमारी जुबान की है। जो जबान आजकल हिंदुस्तान में बोली जाती है, माफ कीजिएगा, उससे मैं और मेरे आबा व अजदाद जद्दे अमजद पुश्ते अमजद भी वाकिफ नहीं है। तो ये शेर बिला वजह आपने लगा दिया, इस शेर की गलती हम आपको बताते हैं कि इस शेर में गलती क्या है। उर्दू है जिसका नाम, अमा किसका नाम उर्दू है? क्या मतलब? बोलिए ना, किसका नाम उर्दू है? कॉन्फ्रेंस का नाम था उर्दू है जिसका नाम। उर्दू है जिसका नाम, किसका नाम था उर्दू? अरे भाई बताइए ना, किसका नाम था उर्दू? नहीं, आप ये फरमाइए किसका नाम था उर्दू या किसका नाम है उर्दू? आप मेरी बात सुनिए, आप भी यानी आप गोया तवज्जो ही नहीं दे रहे हिंदुस्तान से आए एक मेहमान की गुफ्तगू। भाई साहब दाग का क्या बिगाड़ लिया? दाग का क्या बिगड़ा उर्दू का इस कॉन्फ्रेंस से? मैं आपसे एक सवाल आपके ज़हने कामिल की और यानी यूं समझ लीजिए उछाल चुका हूं, इसे कबूल फरमाइए और इसका जवाब मरहमत कीजिए। वो एक चीज होती है सब्र का पैमाना। देखिए अब जब पैमाने की बात अगर छिड़ गई और अगर पैमाने से पैमाना टकराया तो एक हैजान खेजी की कैफियत तारी हो जाएगी इस गुफ्तगू में। आप मेरी बात सुने, बहुत ज्यादा बोल रहे हैं आप। दाग का शेर है, उर्दू है जिसका नाम, हम ही जानते हैं दाग, हिंदुस्तान में धूम हमारी जुबान की है। अमा हिंदुस्तान में आजकल जिस जबान की धूम है उस जबान से ना तो हम वाकिफ हैं, ना हमारे आबा व अजदाद, ना वो भी ना बलद थे। ये शेर की चंदा जरूरत ही नहीं कि उर्दू था जिसका नाम, हम ही जानते हैं दाग, हिंदुस्तान में धूम हमारी जबान की थी। ना तो आप अदीब हैं जी,
ना शायर है जी, उसके बावजूद आप इस्लामाबाद में उर्दू कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए आ गए। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। और आप शरीक भी नहीं हुए। जी नहीं। उसके बावजूद आप कॉन्फ्रेंस की बुराई कर रहे हैं। जी हाँ। उन लोगों को मालूम है कि आप तशरीफ ला चुके। अरे साहब आप ये देखिए कि उर्दू कॉन्फ्रेंस का अखबार में इश्तेहार देख लीजिए, ऐसा लगता है जैसे आपकी कौमी एयरलाइंस का एयरपोर्ट पे बोर्ड लगा हो कि हर फ्लाइट के आगे लिखा हुआ है मुतवक्को। उर्दू कॉन्फ्रेंस का अखबार में इश्तेहार देख लीजिए, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, ज्यादातर हिंदुस्तानी मंदूबीन के आगे लिखा हुआ था मुतवक्को। हमारे नाम के आगे अभी तक मुतवक्को चल रहा है। हमने कहा चलने दो, कॉन्फ्रेंस से बच गए। भारतीय मेहमान से बातचीत जारी है, मुलाकात होगी। ये जुमला माफ कीजिए, देखिए उर्दू यहां आके से सकती है, जंग जारी हो सकती है, लड़ाई जारी हो सकती है, गुफ्तगु जारी नहीं हो सकती। गुफ्तगु हो रही है, इससे मजीद बातचीत होगी। इश्तहार देखिए, आप खुद बताएं मैं आपसे क्या बात करूं। देखिए अगर 15 मिनट की खामोशी हो जाए तो चेमानदार यानी लुत्फ आ जाएगा। अगर 15 मिनट खामोश रहे, कोई बात ना करे। मेरा प्रोग्राम खत्म होने में 15 मिनट रह गए। ओहो, आप बुनियादी तौर पर क्या हैं जी? ना आप अदीब हैं ना आप शायर हैं, तो बुनियादी तौर पे आप क्या हैं? दिल्ली कैथोलिक। क्या कहा? दिल्ली कैथोलिक। आपके समझ में दिल्ली नहीं आया या कैथोलिक नहीं आया? दिल्ली कैथोलिक से क्या मतलब? देखिए रोमन कैथोलिक जो है एक फिरका है जो पापाए रोम को हजरत ईसा का जानशी समझता है। हम पापाए दिल्ली को मुसलमानों का जानशी समझते हैं, मगर ऐसा नहीं हो रहा है। क्या करते भैया? धरो ना धरो या बलमा भैया ना ना धरो। क्लासिकल गाय। किस घराने से ताल्लुक है? बंदे नवाज जौनपुरी। ये कौन थे? बंदे नवाज जौनपुरी की साहबजादी खुश शक्ल से हमने अकदे मसनूना किया था बहुत अरसे कब्ल, बस उसी घराने से ताल्लुक है। मेरा मतलब था क्लासिकी गायकी के किस घराने से ताल्लुक है आपका? भूल गए। घराना भूल गया? आप घराने की बात कर रहे हैं, परेशानी की वजह से अक्सर हम पजामा भूल जाते हैं। वो तो बच्चे आके हमें कहते हैं डैडी कुछ पहन लीजिए। भारत में तो क्लासिकल गाने वाले बहुत खुश हैं। जो मर गए हैं वो खुश हैं, जो जिंदा हैं जिनको क्लासिकल नहीं आता और अच्छी शक्ल सूरत के हैं, खुश शक्ल हैं, वो बहुत खुश हैं। मामूली शक्ल सूरत के जो क्लासिकल सिंगर हैं इबरतनाक जिंदगी गुजार रहे हैं। बच्चे हैं? कसीर। कसीर? कसीर का मतलब है बहुत, काफी, वाफिर मकदार में, ज्यादा। क्यों? अरे बगैर किसी गैर मुल्की इमदाद के हैं। आपको कोई तकलीफ है? नहीं, आपकी बातचीत से आपके हुलिये से मुझे ये अंदाजा हो रहा है कि आपके पास पैसा नहीं है। तो क्यों कटे पे नमक छिड़क रहे हैं आप? क्या बताऊं? मेरा मतलब है इस तरह की बात करके क्यों आप हमें तकलीफ दे रहे हैं? वैसे माफ कीजिएगा, ये जो आपका अंदाज तखातुब है उर्दू का बहुत ही मायूसकुन और बहुत ही मभूम है। यानी आपकी उर्दू माफ कीजिए कोई बहुत अच्छी नहीं है। यानी हम इस नतीजे खास पे पहुंचे कि आपकी उर्दू तो जावेद अख्तर से भी कमजोर है। आपने क्लासिकल गाना किससे सीखा? सच बात करते हैं, गुफ्तगु में सच को हमेशा मलहूज रखते हैं, झूठ नहीं बोलेंगे और झूठ की चंदा जरूरत भी नहीं। हमने क्लासिकल गाना एक जमादार से सीखा। क्या कह रहे हैं आप? मैं वही कह रहा हूँ जो आपकी समाज में घुस रही है। जो मैं कह रहा हूँ वो सच कह रहा हूं कि हमने क्लासिकल गाना एक जमादारी से सीखा।
अब किस्से कामिल ये है कि हमारे पड़ोस में आगरा के उस्ताद रहते थे, उनके यहाँ ये जमादारनी काम किया करती थी, बल्कि उनके घर की सफाई किया करती थी। आगरा के जो उस्ताद थे उनसे वो गाना भी सीखती थी, आवाज अच्छी थी उसकी। तनख्वाह की बजाय उस्ताद उसे गाना सिखाते थे। ओहो, मनमोहनी सूरत थी और नमकीन। गाना किस तरह सीखा? वही अर्ज कर रहा हूँ, इतनी जल्दबाजी से काम मत लीजिए। वैसे भी जल्दबाजी की जरूरत नहीं, वो मर चुकी है। हुआ यूं के किस्सा कामिल ये है कि एक रोज हमारा गटर भर गया, पानी बह बह के तमाम दालान को गंदा किए दे रहा था। हमने हरकारा भेजा के जाके बुला कर लाए, वो ले आया, और जैसी वो जमादारनी दाखिल हुई, लाल घाघरा पहना हुआ था उसने, काला ब्लाउज, पैरों में दो मोटे मोटे चांदी के कड़े, और बैठ के वो पोछा लगा रही थी और गा रही थी, कैसे आऊं जमुना के तीर, कैसे आऊं जमुना के तीर, राग पीलू गा रही थी। उस वक्त तुमको पता था कि पीलू क्या है? जी, उस वक्त आपको पता था कि पीलू क्या होता है? जी हाँ, हमें उस जमाने में सिर्फ पीलू का ही इल्म था, क्योंकि 10 पैसे की एक बोतल आती थी अद्धे की, 1 रुपए में, यानी जी भर के पीलू। आप सिर्फ उर्दू कॉन्फ्रेंस पे बात करें, हमें रहने दीजिए। हिंदुस्तान से आए हुए तमाम अदीब और शायर इस वक्त भी इस्लामाबाद में एक पैमाना लेके अंग्रेजी में उर्दू का मुस्तकबिल संवार रहे होंगे। आप लोग प्लीज इश्तहार देखें। जी, इश्तहारों से पहले आप बता रहे थे कि आपने जो आपकी जमादारनी जो उस्ताद थी हमारी, उस्तानी थी हमारी। जी, एक ही बात मैं वापस चाहता हूँ, आपकी उस्ताद ने वो गाना गा रही थी पीलू में, ठुमरी कैसे आऊँ जमुना के तीर, तो वो आपने सुनी? असल में वो जब जब पूरा पानी दालान में आ गया, बहते हुए तो पोछ रही थी और गा रही थी, कैसे आऊँ जमुना के तीर, कैसे आऊँ। जी जी, मैं चौंका, मैंने कहा कि भाई भला की आवाज है, बहुत खूबसूरत गाती है। तो कहने लगी, आगरा के उस्ताद की सफाई करती हूँ, साफ कैसे नहीं गाऊंगी और अच्छा कैसे नहीं गाऊंगी। और कहने लगी कि उस्ताद मोहतरम जो हैं तनख्वाह नहीं देते, मुझे गाना सिखाते हैं। अब हमने क्या किया कि साहब, मौका जानते हुए हमने भी अपनी एक फरमाइश दाग दी। हमने कहा कि भाई जो कुछ भी आप आगरा के उस्ताद से सीखें हमें सिखा दिया करें, हम आपको दुगनी तनख्वाह देंगे। वो मान गए। गाने का शौक था? जी हाँ, बहुत शौक था गाने का। बाजा वगैरह घर पे था? एक हारमोनियम था, उसी पे सीखा करता। तो घर में किसी ने एतराज नहीं किया कि आप एक जमादारनी से गाना सीखे? कौन एतराज करता, घर में था ही कोई नहीं, बस एक वालिद थे, कमर रह गई थी, पड़े रहते थे बिस्तर पे, मगर उचक उचक के वो देखा करते थे जमादारनी, यानी हमारी उस्तानी को देखा करते थे। और एक दिन कहने लगे, ताने लगाने को जी चाह रहा है। अब मैंने कहा कि भाई देखिए, मुनासिब नहीं है। ठीक है, उन्हें इतराज तो नहीं था आपकी गायकी? किन को? कि आप गाना सीख रहे जमादारनी से? नहीं, किसी को भी इतराज नहीं? देखिए, वालिद साहब को तो कोई एतराज नहीं था, लेकिन हमारी उस्तानी ने कोई 150-200 मरतबा एतराज किया आप पर। जी हाँ। क्यों? कि तमीज से बैठ, अपने औकात में रहे, आपे में रहे। अब हमारा क्या था कि एक तान लगाते थे और आ जाते थे दुरत पे। तो बाद में उन्होंने उसका ये तरीका कार निकाला कि झाड़ू रख के हमें गीत सिखाने लगी, और फिर बाद में थोड़ा और वक्त जब गुजरा तो वो उस पर बैठ जाया करती थी, तख्त पे हमें नीचे बिठाती थी, और झाड़ू उनके हाथ में होती थी और गाना सिखाती थी। तो आप साल डेढ़ साल आप तो क्या करते थे? कौन? आप क्या करते? हम बता रहे हैं ना कि हम फिर साल डेढ़ साल तक हम दोनों मालकौस गाया करते थे। आप क्या करते थे? देखिए, अगर आप मेरी जगह होते तो आप भी वही करते जो मैं करता था, कि हम दोनों जो हैं वो काफी देर तक गाना सीखने। अच्छा, आपने गाना सीख मालकोस, 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 आप लोग गाते, पीलू आपको पहले पता था? जी हाँ।
तो फिर उसके बाद ये हुआ कि कलकत्ते से एक रिकॉर्डिंग कंपनी ने हमारी उस्तानी को बुलवा लिया, उनकी आवाज बहुत खूबसूरत है, वो कलकत्ते सिधार गई, मतलब चली गई, और हम दिल्ली की महफिलों में गाने लगे। आह क्या याद दिला दिया। तो आपका गाना सुनकर दिल्ली वाले क्या कहते थे? कहते थे भाई बड़ी सफाई है तुम्हारे गाने में, अब उन कम वक्तों को कौन समझाता कि भाई हमारी उस्तानी कौन थी, गाने में सफाई तो आनी थी। फिर आपने बंदे नवाज जौनपुर वाले की बेटी से शादी, अक्दे मसूर। तो आपकी बेगम को गाने का शौक था? जी नहीं, उन्हें चंदा गाने का शौक नहीं, ना घूमने फिरने का शौक, ना अच्छे लिबास का शौक, ना जेवरात का शौक। फिर किस चीज का शौक था? बस औलाद की तमन्ना से भरी हुई थी। 16 बच्चे पैदा हुए, उसके बाद वो इस दुनिया से रुखसत हुई, अल्लाह उन्हें गरीब रहमत करे। तड़के में सिर्फ 16 औलादे छोड़ गई, 16 बच्चे। जी जी हाँ। तो क्या उनका मुस्तकबिल है भारत में? अरे साहब, लोकसभा के जिस मेंबर की तरफ हो जाए उसकी सीट पक्की। वैसे आपको उर्दू कॉन्फ्रेंस में जाना चाहिए था, सिर्फ अपनी जिंदगी के बारे में आप बताते ना कि आपकी जिंदगी कैसे गुजरी है, तो ये उर्दू अदब के लिए एक बहुत बड़ी बात होगी। जिंदगी कामिल खास में इंसान के इतराज जब परवास करते हुए किसी छोड़ दे, इस तरह की बातें तो बहुत हुई होंगी। बात सुनो, अपनी कहानी लिखो और टेलीविजन वालों को या फिल्म वालों को दो। ये जमादानी वाली? जी, यानी गोया के इस पे एक बायोस्कोप भी बन सकता है। जरूर बनाइए और ये फिल्म हिट होगी। हिट होगी। हिट का क्या मतलब है उर्दू में? कामयाब। कामयाब। बहुत बहुत शुक्रिया। मुनासिब। खुदा हाफिज़।